बचपन से बाल खाने की आदत मासूम बच्चे की जान पर आफत बनाई। पेट में दर्द होने की शिकायत पर डॉक्टरी जांच में मासूम बच्चे के पेट में बालों का गुच्छा होने का खुलासा हुआ। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार डॉक्टर की पैनल टीम ने सर्जरी के जरिए पेट से 2 किलो से ज्यादा बालों का गुच्छा निकालकर सफल ऑपरेशन किया। बिजनौर शहर की रहने वाली महज 14 साल की मासूम बच्ची पिछले कई सालों से चोरी छिपे बाल खाने की आदत थी। बाल खाते खाते मासूम बच्ची के पेट में बालों का भारी भरकम गुच्छा जमा हो गया, जिसकी वजह से मासूम बच्ची को अक्सर पेट में दर्द, उल्टी व कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। मासूम बच्ची के पिता ने पास के ही डॉक्टर प्रकाश को बच्चे को दिखाया। डॉक्टर प्रकाश ने पेट का अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें बालों के गुच्छे बनी गांठ नजर आई। डॉक्टर प्रकाश के मुताबिक ये बीमारी अक्सर महिलाओं में बहुत कम देखी जाती है। बाल खाने की बीमारी मानसिक रूप से पनपती है, जिसके तहत बाल खाने की आदत पड़ जाती है। बालों के गुच्छे को मेडिकल जुबान में ट्राइको बेजार कहा जाता है। बहरहाल, डॉक्टर प्रकाश ने पेट की सर्जरी के जरिए पेट से 2.5 किलो के आसपास बालों का गुच्छा निकाल दिया है। फिलहाल सर्जरी के बाद बच्ची स्वस्थ है और अस्पताल में भर्ती है। बच्ची हमारे पास पेट के दर्द की शिकायत से आई थी। जब उसकी जांच कराई तो जांच कराने के बाद ये तय हुआ कि इसको बच्ची को ये बीमारी है कि पेट में इसके बालों का गुच्छा बन गया। ये एक किस्म की मानसिक बीमारी है जिसमें कि बच्चे बाल खाता है। बच्चा आम तौर से महिलाओं में होती है बीमारी, और बच्चे का तो मैंने ऑपरेशन ये पहले ही किया है। इससे पहले जो 4 ऑपरेशन मैंने किए थे इस किस्म के, वो सब बड़ी महिलाएँ थी, 35-40 उम्र की, साल उम्र की। और बच्चे में इतना बड़ा गुच्छा पेट के अंदर होना, ये उम्र ही इसकी बेचारे की कुछ भी नहीं है। और शिकायत इसकी यही थी कि इसका विकास नहीं हो रहा उम्र के साथ साथ, और आम तौर से उल्टियाँ करती रहती है, कुछ खा भी नहीं पाती। जरा सा सा खाते ही इसके इसका उल्टी आने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। तो जांच के बाद फिर ये तय हुआ कि भाई बच्ची को पेट में बालों का गुच्छा, ट्राइकोबिजार इस बीमारी को कहते हैं। अब फिलहाल कुछ समय से तो इसने खाना बंद कर रखा है, और जब ऑपरेशन के लिए आई, इसका हमने ऑपरेशन करा, तो ऑपरेशन में लगभग इसका वज़न है 2.5 किलो के करीब। बच्ची के लिहाज से वाकई बहुत बड़ा गुच्छा है बालों का। ऑपरेशन करने में कुछ कठिनाई आई? हाँ, मुश्किल तो ऑपरेशन ही होता ही है, क्योंकि पूरा खाने की जो थैली होती है, आमाशय जिसे कहते हैं, स्टमक, उसको काफ़ी लंबा काटना पड़ता है इतनी बड़ी गांठ को निकालने के लिए। उसमें ब्लीडिंग की भी संभावना रहती है, और क्योंकि अंदर पेट में सूजन आ जाती है इसकी वजह से, इतनी बड़ी गांठ की वजह से, तो आते सब चिपक जाती है उसके पास आते। बच्चे की हालत कैसी है? बच्ची अब स्थिर है, और खून लगा था उसको ऑपरेशन के बाद दो तक, लेकिन अब स्थिति उसकी स्थिर है। ये बीमारी जो होती है कितनी रेयर है या आम लोग, आम आदमी को भी? बहुत रेयर बीमारी है, बहुत रेयर। अच्छा, लाखों में से कहीं जाती है।